हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। होप यू आर एंजॉयिंग योर प्रेगनेंसी। और अगर आपकी डिलीवरी जुलाई अगस्त सितंबर के टाइमिंग पे ही, जो मॉनसून का टाइम होता है, इस समय थोड़ा सा मौसम अलग होता है, ह्यूमिड होता है, बारिश होती है तो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है, और तुरंत से बारिश बंद होने के बाद उमस आ जाती है, गर्मी सी होती है, काफ़ी स्वेटिंग होती है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आप एक सेंसिटिव फेज में हैं, थर्ड ट्रिमेस्टर में हैं या डिलीवरी होने वाली है, तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा संभाल के चलनी चाहिए, और इसी विषय को आज हम अपने वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने यूट्यूब मॉम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो मॉनसून का सीजन आ गया है, डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा है, तो कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्वेटिंग बढ़ जाती है, पसीना ज्यादा आता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। आपको लगेगा कि बारिश का मौसम है और पानी की कमी, जी हाँ, इस मौसम में पानी की कमी होना बिल्कुल कॉमन हो गया है, और आपको पानी के इनटेक पर, पानी पीने पर ज्यादा ध्यान देना है, तो पानी से इन्फेक्शन का भी खतरा होता है, तो आप पानी को इंश्योर कर लें कि पानी बहुत क्लीन है, सही है पानी, और उस पानी को कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रिज का पानी, घड़े का ठंडा पानी आपको नहीं पीना है, क्योंकि इस समय थ्रोट इन्फेक्शन के खतरे भी बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ कि इस समय आउटिंग नहीं हो पाती, आप बाहर वॉक के लिए या फिर गार्डन वगैरह नहीं जा पाते, क्योंकि फिसलन का भी डर रहता है, मौसम ख़राब रहता है, कई जगह बारिश है तो नहीं जा पाते। तो अगर आपकी जगह पे ज़्यादा बारिश है और आप अपना वॉक और एक्सरसाइज का बाहर का रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे, तो घर में 2 या 3 ब्रेक में, छोटे छोटे ब्रेक में, आप अपने योगा को, अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं ऐसा करेंगे आप, तो आप अनजाने में ही थोड़े से स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, आपको स्ट्रेस महसूस होगा, और इससे डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आएगा, डाइट में चेंजेस आ जाएगा, भूख नहीं लगेगी, खान पान में दिक्कत होगी, कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए स्ट्रेस को बीट करके रखना है, एकदम से कंट्रोल रखना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है। इस मौसम में खांसी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, तुरंत से हो जाती है खांसी, क्योंकि सर्द गर्म बहुत तेजी से शरीर पर असर डालता है। तो ऐसे में कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे जिंजर की टी हो सकती है, जीरे की चाय हो सकती है, अदरक की चाय हो सकती है, मुनक्का हो सकता है, खजूर हो सकता है, इन सब चीज़ों को आप लेते रहिए, जिससे कि बॉडी में इम्यूनिटी बनी रहे और खांसी जुकाम आपसे दूर रहे। इस मौसम में अगर डिलीवरी है तो कब्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि बरसात में हरी पत्तेदार सब्जियां घर वाले मना कर देते हैं खाने के लिए, तो क्या करें, तो खीरा वगैरह जो भी सीजनल फ्रूट्स है, जैसे कि नाशपाती वगैरह, एप्पल, कई चीज़ें आती हैं इस मौसम में, अच्छे फ्रूट्स मिल जाते हैं आपको, सलाद की मात्रा बढ़ा देना इस समय आपको, जिससे कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम ना हो। कब्ज होगा तो डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी, भूख नहीं लगेगी, तो थर्ड ट्रिमेस्टर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो सलाद आपको बढ़ाना ही है इस मौसम में। दही छाछ की बात आती है, कई लोग पूछते हैं कि थर्ड ट्रिमेस्टर है, ऐसा मौसम है, दही छाछ खाएं कि नहीं खाएं, तो दही, बटर मिल्क वगैरह आप ले सकते हैं, अगर आपको सूट करता है, गले में प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर आप ठंडे से बचना चाहते हैं तो दही या छाछ को आप तड़का लगा कर ले सकते हैं, हल्का सा जीरे का, करी पत्ते का आप तड़का लगा कर उसको कंज्यूम कर सकते हैं छाछ को, ये सही तरीका है, इससे वो आपका गला ख़राब नहीं करेगी। और कोशिश करें कि ताज़ा ही दही या छाछ आप कंज्यूम करें, वो ठंडा नहीं होना चाहिए। इस मौसम में कब्ज से बचने के लिए, भूख अच्छी लगने के लिए, और चेहरे पे ग्लो के लिए, और इस मौसम के जो भी इन्फेक्शन है उनसे बचने के लिए, आपके लिए टोमेटो सूप एक बेस्ट ऑप्शन है, जो आप ज़रूर लें, आप डेली इसको कंज्यूम कर सकती हैं, जब भी हल्की भूख लगे आप टोमेटो सूप बना सकते हैं। याद रखिए, मार्केट का टोमेटो सूप आपको नहीं लेना है। इस मौसम में आप इंडोर्स ज़्यादा रहते हैं, इसलिए स्ट्रेस का बहुत खतरा रहता है, इसलिए बहुत इंजॉय करें इस टाइम को, घर में योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं स्ट्रेस से बचे, और कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें, जिससे स्किन पे इन्फेक्शन ना हो। और अगर इस समय डिलीवरी है तो बेबी के लिए और बेबी की माँ के लिए कॉटन के ही फैब्रिक का सिलेक्शन करें। होप ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। थैंक यू।